वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 में बदले गए सभी नाम, चाहे वो स्टेशन के नाम हो, किसी शहर के नाम हो, या किसी योजना का नाम हो, या फिर किसी द्वीप का नाम हो, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ये बदले गए नाम से ज़रूर पूछा जाएगा। तो पूरे साल 2019 में कुछ 2018 में भी हैं, तो उनके को भी मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, रॉस द्वीप का नाम जो बदल करके रखा गया है वो क्या रखा गया है। देखिए, रॉस द्वीप का हाल ही में तीन द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है, और वो तीन नए द्वीप का नाम नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका नाम बदल कर रखा है, नया नाम। तो आपको ये याद रखना है कि वो कौन कौन से द्वीप हैं और नया नाम उनका क्या है। तो रॉस द्वीप है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, ठीक है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, या आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये पूरा नाम याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर है नील आइलैंड, ठीक है। नील आइलैंड यानी नील द्वीप का जो नाम है वो क्या रखा गया है बदल करके, उसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलान करने को भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा द्वीप है जिसका नाम बदल करके रखा गया है और वो सही नहीं है या सही है। तो इस तरह से चार ऐसे नाम दिए होंगे और उनका सही नाम सामने होगा, जो कुछ एक दो गलत भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलान करने, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नील आइलैंड का नया नाम क्या रखा गया, शहीद द्वीप, ठीक है। नील आइलैंड शहीद द्वीप, और जो यहाँ पर रॉस है, रॉस को आप याद रखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बोस है तो रॉस है, ठीक है। यहाँ पर ये आप इस तरह से याद रखें, नील आइलैंड का नाम क्या है, शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड यानी हैवलॉक द्वीप का जो नाम बदल करके रखा गया है वो रखा गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप, ये आपको याद रखना है। तो ये तीन द्वीप हैं, इसके अलावा एक और द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके रखा गया है कलाम द्वीप, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम भी आप उसको याद रखें, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर आप सीधे याद रखें कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है ये आपको पता है, उड़ीसा में है, ठीक है, और इसी का नाम बदल करके अब रखा गया है कलाम द्वीप। तो अब आपको याद रखना होगा कि कलाम द्वीप कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, जिसका पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप। इसके बाद अगला द्वीप है, यहाँ अगला जो क्वेश्चन है वो कांडला बंदरगाह से रिलेटेड है कि कांडला बंदरगाह का जो नाम है वो बदल करके क्या रखा गया है। तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। रिसेंटली दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई सारी चीज़ें जो है, कई सारे नाम रखे गए हैं, तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, और अटल जी के नाम पर भी बहुत सारे नाम जो है वो बदले गए हैं। तो याद रखना है कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है वो क्या है, वो है दीनदयाल बंदरगाह। इसके बाद अगला यहाँ पर है इलाहाबाद शहर का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो इलाहाबाद शहर का नाम बदल कर प्रयागराज रखा गया है, ये आप सबको पता है। प्रयागराज किसका है, इलाहाबाद का नया नाम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद शहर का नाम सिर्फ बदला गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम नहीं बदला गया। इलाहाबाद जो हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय है वो अभी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है अगला जो क्वेश्चन बन सकता है, नया रायपुर का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो नया रायपुर का नाम बदल करके रखा गया है अटल नगर, ठीक है, याद रखिएगा अटल जी के नाम पर ही अटल नगर नया रायपुर का नाम बदल कर रखा गया है। इसके बाद मुगलसराय जंक्शन का नाम आप सभी जानते हैं, इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है। मुगल सराय जंक्शन कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या रेलवे स्टेशन आप कह दें। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मुगल सराय का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है। चेन्नई का नाम पहले भी बदला गया था, लेकिन अभी रिसेंटली बदला गया है, तो इसको आप जरूर याद रखें कि चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा गया है एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नाम बड़ा है लेकिन आपको याद रखना है एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन को उलट कर भी आपसे पूछा जा सकता है
कि एमजी रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है। तो आपको याद रखना होगा चेन्नई रेलवे स्टेशन का। चेन्नई रेलवे स्टेशन पहले पुराना नाम था, नया नाम है एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके बाद है आरपीएफ। आरपीएफ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल, तो इसका भी नाम चेंज हो गया। ये आरपीएफ जो है वो रेलवे के अंदर फोर्स के रूप में तैनात रहती है। तो रेलवे के इस फोर्स का नाम बदल करके अब क्या रखा गया है, इस फोर्स का नाम हो गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। पहले थी सिर्फ रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, इसके इधर जो है सेवा लगा और इधर भारतीय लगा, ठीक है। याद रखना है आपको कि इसका नाम हो गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफ का नया नाम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है अगला जो है ट्रेन 18, ट्रेन का भी नाम बदला गया है। तो ट्रेन 18 का नाम क्या है, आप सबको पता है, ट्रेन 18 का नया नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नया नाम है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन रखा गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम। इसके बाद देखिए, अटल जी के नाम पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अटल जी के नाम पर कई सारी चीजें जो है वो कई सारे नाम रखे गए हैं, तो इस चीज को आप जरूर याद रखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर और अटल जी के नाम पर। तो यहाँ पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। इसके बाद एक सुरंग है, रोहतांग सुरंग का नया नाम रखा गया है बदल करके। तो रोहतांग सुरंग का नया नाम बदल करके रखा गया है अटल सुरंग। सवाल पूछ देगा आपको कि रोहतांग सुरंग का जो नया नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो अटल जी के नाम पर, ठीक है। सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नया नाम रखा गया है, तो आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग हो गया है। इसके बाद है चेनानी नाशरी सुरंग, ठीक है, चेनानी नाशरी सुरंग या टनल। टनल जो है सुरंग को ही टनल कहते हैं, तो सुरंग या टनल आप यहाँ भी याद रखें रोहतांग के मामले में भी, और चेनानी नाशरी सुरंग का जो नया नाम बदल कर रखा गया है, इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये सवाल अभी हाल फिलहाल 2019 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि 2019 के कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि चेनानी नाशरी सुरंग किसके नाम पर जो है वो बनी है, ठीक है, किसके उसका जो नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। पहले नाम था चेनानी नाशरी सुरंग, अब नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल वाइस वर्सा करके भी पूछा जा रहा है कि चेनानी नाशरी सुरंग का संबंध किससे है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से ये बनी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बोगीबिल पुल। बोगीबिल पुल का नया नाम बदल कर क्या रखा गया है, या पूछ देगा कि अटल सेतु का पुराना नाम क्या था। तो देखिए, बोगीबिल पुल या अटल सेतु दोनों एक ही नाम है। बोगीबिल पुल जो है वो पुराना नाम था, नया नाम अटल सेतु हो चुका है, तो आपको याद रखना है अटल सेतु जो है वो बोगीबिल पुल का नया नाम है। इसके बाद है फैजाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। फैजाबाद का नया नाम जो रखा गया है वो अयोध्या रखा गया है। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन को मिला करके एक साथ आपको मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मिलान सही है जो हाल ही में बदले हुए नाम को दर्शाता है, और फिर आपके सामने चार ऑप्शन होंगे जो आप आमने सामने मिले हुए होंगे, तो उसका आंसर आपको उसी हिसाब से करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाना स्टेडियम का नया नाम बदल करके क्या रखा गया है। देखिए, इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। इकाना स्टेडियम का जो नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पुराना नाम था इकाना स्टेडियम। इसके बाद है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह यहाँ पर कोटला होगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है।
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है ये तो आप सबको पता है, नई दिल्ली में। लेकिन अगर सवाल पूछ दे कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, क्योंकि अब नया नाम हो चुका है अरुण जेटली स्टेडियम, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि फिरोज शाह कोटला के बारे में जब तक आप याद नहीं रखेंगे कि फिरोज शाह कोटला का ही नाम बदलकर अरुण जेटली रखा गया है, तब तक आप नई दिल्ली इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको रिलेट करके याद रखना होगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, जो कि नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, आगरा एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आगरा एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, इस एयरपोर्ट का नया नाम बदल करके रखा गया है दीनदयाल एयरपोर्ट। आगरा एयरपोर्ट अब किस नाम से जाना जाएगा? दीनदयाल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगरतला एयरपोर्ट का भी नाम बदला गया है। तो अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट। बड़ा नाम है, आप इसको भी याद रखिएगा, महाराजा वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो है वो है गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो गोरखपुर एयरपोर्ट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गोरखपुर एयरपोर्ट का ज़्यादातर नाम आप देखेंगे कि यूपी के चेंज हुए हैं, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार यानी योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कई सारे नाम जो है वो चेंज किए हैं, ठीक है। जब से उनकी सरकार आई है उन्होंने कई सारे नाम में परिवर्तन किया है, शहरों के हो या स्टेशन के हो या फिर किसी एयरपोर्ट का हो। तो गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम जो है वो बदल करके महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रखा गया है। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट किसका नाम रखा गया है? गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे जो कि बदले गए नाम 2019 और 18 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपके लिए शामिल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।